Hey guys, welcome back to my channel Funex. So in today's video I'm going to show you how you can DIY this little mini ship. For this you will need cardboard, scissor and glue, pencil and tweezer, paints and brushes, thread, white paper, some thin wooden sticks. So let's begin. So as you can see, I've taken a cardboard sheet over here, and on that I'm tracing the size of our ship, the base of the ship, like this. Guys, ab ek ship ka base trace kar lijiye on the cardboard and cut it out. After cutting, I've made two like these on for both the sides. Now guys, iske base ke liye maine is shape ke two cardboards cut kar liye hain. And one is a little big, other is a small one. And then glue ki help se main dono parts ko usko stick kar dungi. Look guys, like this. Now the second one, usko bhi main stick karungi. स्टिक हो जाएगा तो होल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. नाउ इसको भी मैं स्टिक कर रही हूँ. लुक, ये स्टिक हो चुका है. गाइस, मैंने यहाँ पे एक और एक कार्डबोर्ड का शेप कट किया है एंड लाइक दिस मैंने उसको अ लिटिल बिट दोनों एजेस से स्मॉल एंड बिग शेप देके मैं उसको ऐसे एक रेक्टेंगल शेप में स्टिक करूंगी लाइक दिस. गाइस, इसके ऊपर मैं ये जो कार्डबोर्ड का मैंने रेक्टेंगल कट किया है उसको स्टिक कर दूंगी. दीज आर द शिप कंपार्टमेंट्स गाइस, एंड उसको मैं स्टिक करूंगी. एज यू कैन सी, ये एक साइड से थोड़ा सा लार्ज है, एक साइड से थोड़ा स्मॉल है, बिकॉज वो शिप के ऊपर उसको एकदम अच्छे से बैलेंस करना है एंड शिप इज अ बिट रोल्ड साइज सो वो इजली स्टिक हो जाए. गाइस, यू कैन सी मैंने इस 3-3 पिलर्स लगा दिए हैं, टोटल 6 पिलर्स. गाइस, ये पिलर्स एक साइड से छोटे हैं, एक साइड से थोड़े बड़े हैं, सो दैट वो इक्वली बैलेंस कर जाए. गाइस, यहां पे मैंने कार्डबोर्ड की एक स्ट्रिप कट की है एंड उसे थिन स्ट्रिप्स कट करूंगी छोटी छोटी. इससे जो शिप के फेंसेस होते हैं मैं वो बनाऊंगी पिलर्स छोटे छोटे और ऑन एवरी एजेस में लगा दूंगी लाइक दिस. यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं सारे एजेस पे. गाइस, मैं इनसाइड जो शिप की इनसाइड पार्ट्स है उसको वाइट पेंट करूंगी, फैब्रिक पेंट. मैं पहले पेंट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आफ्टरवर्ड्स जब उस पर डिटेलिंग हो जाएगी तो पेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. तो गाइस, मैं इसको पेंट कर रही हूँ. हो चुकी है. अब जो नीचे शिप की मैंने पिलर्स बनाए थे उस पे भी मैं रेलिंग स्टिक करूंगी. लुक, ये भी स्टिक हो चुका है एंड ये ऑलमोस्ट रेडी दिख रहा है.
ना गाइस, यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड का एक थिन कार्डबोर्ड लिया है एंड उसको कोई भी पेंसिल या कोई भी चीज़ से लेके आप एक सिलेंड्रिकल शेप देके उसको स्टिक कर लीजिए लाइक दिस। नाउ गाइस, उसके ऊपर कैप बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड से एक सर्कल कट किया है एंड उसको मैं स्टिक कर दूंगी इस तरह से। नाउ आफ्टर दैट गाइस, यहाँ पे मुझे डिटेलिंग करनी है, सो मैंने कार्डबोर्ड की एक थिन स्ट्रिप कट की है एंड उसको मैं ऐसे स्टिक करूँगी ऑन द टॉप। गाइस, वो मिडल में नहीं है, थोड़ा सा टॉप में है। तो गाइस, ये इस तरह से स्टिक हो चुका है एंड नाउ मैंने इसी तरह से 4 पीसेस रेडी कर लिए हैं, 4 पिलर्स। नाउ गाइस, ये पिलर्स को मैं क्रीमिश कलर से पेंट करूंगी, लाइट येलो। सारे पिलर्स को मैं उनका जो नीचे का पार्ट है वो क्रीमिश कलर से पेंट करूंगी लाइक दिस, एज यू कैन सी। नाउ यहाँ मैंने ब्लैक फैब्रिक पेंट लिया है एंड उसको अपर पार्ट को मैं ब्लैक कलर कर रही हूँ। गाइस, यहाँ मैं फैब्रिक पेंट से पेंट करूंगी शिप को, बिकॉज फैब्रिक पेंट काफ़ी ज़्यादा रियल पेंट इफेक्ट देता है एंड शाइन करता है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये काफ़ी सेफ पेंट है, सो ये अच्छा रहेगा। तो मैं ये ब्लैक सारे फैब्रिक पेंट्स यूज़ कर रही हूँ बेसिकली, यहाँ पे ब्लैक पेंट से मैं कलर कर रही हूँ। ये पिलर्स होंगे जो टॉप पे लगेंगे, सो उसको अच्छे से पेंट करना है। आफ्टर दैट, जो मैंने कार्डबोर्ड की स्ट्रिप्स कट करके लगाई थी उनको मैं व्हाइट फैब्रिक पेंट से यहाँ पेंट कर रही हूँ। लुक गाइस, लाइक दिस ये पेंट हो चुका है। इसी तरह से मैं सारे पिलर्स को पेंट कर लूंगी व्हाइट। लुक गाइस, ऑल आर पेंटेड एंड नाउ वन बाय वन मैं उनको ग्लू की हेल्प से ऑन टॉप ऑफ द शिप स्टिक करूंगी। लो गाइस, ये स्टिक हो चुके हैं। नाउ मैंने एक वुडन स्टिक ली है एंड उसको मैं व्हाइट पेपर से कवर कर दूंगी इस तरह से। गाइस, कवर करने के बाद अब यहाँ पे भी मैंने जैसे बाकी पिलर्स में डिवाइडर दिया था, यहाँ पे भी दे रही हूँ एक कार्डबोर्ड की स्ट्रिप से एंड उसी तरह मैंने 3 टॉल जो मैंने बनाए हैं पिलर्स उनको स्टिक करने के लिए मैं यहाँ शिप में होल्स बना रही हूँ। एक साइड मैंने 1 होल बनाया बिकॉज वहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं है एंड अदर साइड मैंने 2 होल्स बना लिए स्पेस होने की वजह से एंड उनको ग्लू की हेल्प से मैं अंदर डाल के स्टिक करूँगी। तो गाइस, ये स्टिक हो चुका है, पिलर्स रेडी हो चुके हैं। नो गाइस, यहाँ पे मैंने जो रेलिंग्स बनाई थी उनको और डिटेलिंग देने के लिए बिलो नीचे साइड पे यहाँ मैंने कार्डबोर्ड की एक थिन स्ट्रिप कट की है एंड उनको ऑन दी एजेस में स्टिक करूंगी रेलिंग्स के। ऑन दी अदर साइड भी मैं सेम प्रोसीजर से उसको डिटेलिंग करूंगी गाइज। लुक, ये हो चुका है दोनों साइड पे। नाउ गाइज, ग्लू की हेल्प से यहाँ पे मैं नीचे एक और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के डिवाइड करूंगी उसी सेम प्रोसीजर से। लुक, ऑन बोथ द साइड्स में ये सेम प्रोसीजर करूंगी एंड ये हो रहा है ऑलमोस्ट। लुक गाइज, यहाँ मैंने कर लिया है, सो दोनों डिवाइड हो चुके हैं। नाउ मैं पेंट करना स्टार्ट करूंगी, तो मैं शिप का जो बेस है उसको ब्लैक फैब्रिक पेंट से पेंट करूंगी। गाइस अगेन, फैब्रिक पेंट बहुत ही रियल पेंट इफेक्ट देता है, शाइनी इफेक्ट भी देता है एंड इट्स अ सेफ पेंट, सो यू कैन पेंट इट विद इट। फुल बेस पे मैं ब्लैक पेंट से पेंट करूंगी।
सेकेंड जो मैंने साइड था उसको भी इसी तरह पेंट करी हूँ ब्लैक पेंट से, बिकॉज फुल बोट जो शिप है वो एक ही पेंट एक ही कलर के पेंट से होना चाहिए. सो एज यू नो मैंने उधर ब्लैक पेंट किया है, सो इस साइड भी मैं ब्लैक पेंट से ही पेंट करूँगी. गाइस ये पेंट होने के बाद जो बीच में जो डिवाइडिंग हम लोग ने किया था, एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे उसके ही मिडल में मैं क्रीमिश कलर के पेंट से पेंट कर रही हूँ जो मैंने पिलर्स के लिए यूज़ किया था लाइट येलो टाइप, एंड उससे पेंट कर रही हूँ इन द मिडल. गाइस ऑन द अदर साइड भी मैं उसी तरह से पेंट करूँगी सेम कलर. क्योंकि पेंट हो चुका है. नाउ गाइस एज यू नो इफ आपने देखा होगा तो मैंने पहले पिलर्स पे वाइट पेंट किया था जो डिवाइडिंग के लिए मैंने कार्डबोर्ड स्ट्रिप लगाई थी, सेम वे मैं इधर भी करूँगी. आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने जो रेलिंग्स बनाई थी और जो पिलर्स हैं उनको मैं लाइट ग्रे कलर का लुक दूँगी सो दैट वो एक स्टील का लुक दें. एंड नाउ गाइस जो डिवाइडिंग के बीच का पार्ट था उस पर मैं स्मॉल स्मॉल विंडोज का इफेक्ट दे रही हूँ विद ब्लैक पेंट. नाउ गाइस नीचे जो डिवाइडिंग के नीचे मैं एक वाइट पेंट से स्ट्रिप्स बनाऊंगी, लाइंस बना लूंगी, क्योंकि लाइंस बनाने के बाद विंडोज बनाना काफ़ी इजी हो जाएगा. फिर आप ब्लैक पेंट से लेके इस तरह से कर सकते हैं लाइक मैं कर रही हूँ, बीच में ब्लैक पेंट से लाइंस बनाते जाएंगे सो दैट वो एक विंडो का सेम जो आपका आपको ऑल द वे सेम शेप्स के बनाने हैं सो वो ईजी रहेगा इस तरह से. तो गाइस ये हो चुका है, सारे साइड्स पे मैंने ऐसे ही सेम कर दिया है. नाउ गाइस यहाँ पे मैं स्टार्स बना रही हूँ, मैं अपनी शिप पे कुछ स्टार्स के शेप्स बना लूँगी फॉर डेकोरेशन. आप कोई भी शेप्स बना सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ही स्टार्स बनाएं, यहाँ ब्यूटी के लिए मैंने स्टार्स बनाए हैं. सो यहाँ 5 स्टार्स बनाऊँगी मैं यहाँ पे. नाउ गाइस यहाँ पे मैंने अपनी सिल्वर मेटालिक नेल पेंट लिया है, एंड उससे मैंने जहाँ जहाँ ग्रे पेंट किया था रेलिंग्स पे एंड पिलर्स पे वहाँ पेंट करूँगी सो दैट वो एक शाइनियर इफेक्ट दे एंड रियल इफेक्ट दे स्टील का. सो या उसको आप इस तरह से पेंट कर लीजिए लाइक दिस. नाउ गाइस यहाँ पे मैंने थ्रेड लिया है, एंड एक नीचे की विंडो से स्टार्ट करके मैं एक पिलर पे ले जाके लूप्स बनाऊंगी गाइस लाइक दिस. ये लूप बनाने के बाद वो एक जगह पे सिक्योर हो जाएगा, एंड देन ऑन दी अदर साइड मैं सेम वे से उसको नीचे पिन अप कर दूंगी. गाइस इसी तरह से मुझे जितने थ्रेड्स लगाने हैं मैं लगा रही हूँ, एंड यू कैन सी मैंने ऑल द पिलर्स मैंने ये लगा लिया है थ्रेड. नाउ गाइस ऑन दी एजेस 4 एजेस पे जो 4 कॉर्नर्स हैं मेरे शिप के उन पे मैं वाइट बीड्स लगाऊंगी सो दैट वो एक ब्यूटी के लिए लगे, अच्छा लगे, अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने यहाँ बीड्स लगाए हैं. सेम वे मैं यहाँ पे भी बीच लगा लूंगी. नो गाइस यहाँ पे मैंने फ्लैग्स बना के रखे हैं व्हाइट पेपर से कट आउट करके, एंड उस पे मैंने अपने ब्रांड का अपने चैनल का नेम लिखा है फनेक्स, तो ये दोनों साइड पे मैंने लगा दिया, आप कोई भी ब्रांड का लगा सकते हैं. सो एज यू कैन सी दिस इज रेडी. एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेक श्योर यू हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो यू विल बी नोटिफाइड. टिल नेक्स्ट टाइम बाय बाय.